के करते, जहां पर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सारण थाना के अलग अलग जगहों से 14 साइबर अपराधी पकड़े गए। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 22 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड, कई एटीएम कार्ड के साथ ही पासबुक, 7 लैपटॉप और एक बाइक और एक चार पहिया वाहन भी पुलिस ने बरामद किया है। बता दें आपको कि लगातार देवघर, जामताड़ा इन जगहों पर गिरफ्तारी हो रही है, और कहीं ना कहीं जो एपी सेंटर माना जाता है जामताड़ा को, साइबर क्राइम को लेकर वो अब शिफ्ट होते हुए देवघर पहुंचा है। और इसी देवघर में लगातार शिकंजा कसा जा रहा साइबर अपराधियों पर, क्योंकि दुमका प्रक्षेत्र में जो पुलिस उप महारक्षक है डीआईजी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि साइबर को लेकर जिस तरीके से बदनाम है ये पूरा इलाका, तो ऐसे में इस पूरे इलाके से इस बदनामी के कलंक को हटाने के लिए, इस बदनामी के कलंक को धोने के लिए प्रशिक्षु आईपीएस को इस काम के लिए लगाया गया है। प्रशिक्षु आईपीएस यानी जो कि नए आईपीएस हैं, लेकिन वो तकनीक से बहुत रूबरू है, और साथ ही साथ उनका दिमाग भी जो है वो उस तरीके से उसे कर रहे हैं कि किसी तरीके से हो सके इन साइबर क्रिमिनल्स तक वो पहुंच जाए। और तेज तरार प्रशिक्षु आईपीएस को इस काम के लगाएगा और उसका फायदा भी होता दिख रहा है। डॉक्टर मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में और दूसरी टीम एएसपी प्रवीक्षमान कपिल चौधरी सह सारण थाना प्रभारी के द्वारा नेतृत्व किया गया। इन दोनों टीमों के द्वारा कुल 14 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 22 मोबाइल, 36 सिम, 9 एटीएम, 7 पासबुक, 1 लैपटॉप, 1 बाइक, बलेनो और अल्टो, 2 फोर